मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में फसल मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से मुलाकात की। बता दें कि किसानों ने कहा कि कई किसानों के नाम सूची में नहीं आए, वहीं फसल खराब होने से हमारी स्थिति खराब होती जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों तेज हवा और बारिश के कारण कई गाँव के किसान की केले की फसल खराब हो गई। बता दें कि जिसका सर्वे भी कराया गया लेकिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। बता दें कि आक्रोशित किसानों ने गुरुवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से मुलाकात की, जिसके बाद सांसद ने जिला कलेक्टर भव्या मित्तल से मुलाकात कर जल्द ही मुआवजा देने और सर्वे सूची में छूटे हुए किसानों के नाम शामिल करने की कार्यवाही करने की भी बात कही। वहीं सांसद पाटिल ने कहा कि किसी भी किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, सभी को मुआवजा मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की सरकार है, यह सरकार किसानों के हित में काम करती है। डॉक्टर मोहन यादव किसानों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अभी तक तो हमारे गांव की सूची भी नहीं लगी है, ग्राम पंचायत पाठंडा भुलाना है। नया सीजन चालू हो गया है, उसकी बोनी होने के लिए आपने पैसे कहां से जुटाए? बीज के दुकान से बीज उधार लिया है, दवाई उधार ली है, कुछ साहूकारों से लिया है, कुछ सोसाइटी से कर्जा लिया है। अब पूर्व डिफाल्टर भी थे, अब सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं, दुकानदार भी कि यार बहुत दिनों के हमने इतने दिन से दोहरी परेशानी झेलना पड़ी। अरे यार जैसी डबल इंजन की सरकार है वैसी दोहरी परेशानी हमको झेलना पड़ी। क्या मांग करेंगे आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा मिल जाए। आपका नाम? ओमराज बाबा। नहीं, सर्वे वगैरह हुआ है, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बखरे किसानों के नाम सर्वे होने के बाद भी लिस्ट में नहीं आए, थोड़ा सा इशू है। कितने किसान है गाँव के जिनके नाम नहीं आए? बखरे में 4-5 किसान। अब क्या चाहते हो, आप किसके पास आए हो गुहार लगाने? हम सांसद जी से मिले, सांसद जी के साथ कलेक्टर मैडम के पास आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया हमको कि आपका आपके नाम जो है डबल सर्वे कराया जाएगा और आपके नाम भी हो जाएंगे, चिंता वाला विषय नहीं है। क्या नाम है? भाई नाना पाटिल, रायगा रहता हूँ। की मतलब इन्हें किसान है, सभी शाहपुर सर्कल के हैं। उसमें जो किसानों को मुआवजा मिला है और कुछ किसानों को नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला वो किसान यहाँ आए थे, यहाँ इकट्ठा हुए। कितने किसान होंगे आंकड़े में यदि बात करें तो आपके क्षेत्र में? वो 50% किसानों को नहीं मिला है। किसानों की संख्या बताइए, क्या किसान होंगे अभी यहाँ? तो किसानों की संख्या मैं नहीं बता सकता, लेकिन किसान जो है यहाँ अभी यहाँ जो है 100-150 किसान आए थे। अब क्या चाहते हो आप? बस वो राशि मिल जाए हमको, राहत राशि, ये जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिए, जिन किसानों का फसल के नुकसानी का आकलन किया गया था और लगभग 65 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का वितरण हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि किसानों की तरफ से ऐसी कहीं शिकायत नहीं है कि हमको कम मिला है। जिनका जितना नुकसानी था, लगभग नुकसानी का 100% आकलन करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे, उस दिशा निर्देश के अनुसार 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसानी की भरपाई करने का प्रयास किया गया है, और लगभग 33 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का अभी तक वितरण हो चुका है। लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि का जो है कि बिल लगे हैं, वो भी जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर उन किसानों का भी पैसा आएगा, और जो किसान शेष बचे उन किसानों का भी मुआवजे की राशि वितरित की जाएगी।